सो आज का वीडियो होने वाला है नेक ट्रेडिशनल आई मेकअप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले तो मैं अपने ब्राउज कर रही हूँ एंड उसको कंसील कर रही हूँ एजेस को टू गेट अ नाइस शार्प ब्रो. अभी बारी है आंखों को प्रेप करने की एंड इसके लिए कंसील कर रही हूँ. ब्लेंडिंग इट. एंड कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्रीज हो जाएगा एंड आई शेडो अच्छे से नहीं बैठेगा. अब इस कलर को लेके ब्यूटिक बेस्ड कलर बोर्ड पैलेट से ट्रांजिशन कलर के तौर पे यूज कर रही हूँ. एंड आउटर कॉर्नर की तरफ ना एक बी शेप क्रिएट करते जाना है एंड देन उसी कलर को लेके मैं डीपन अप कर रही हूँ क्रीज को, धीरे धीरे से बिल्डअप कर रही हूँ. तो अभी इस कलर को लेके मैं अपने क्रीज को और ज़्यादा डेप्थ दूंगी. एंड आउटर कॉर्नर पे भी सेम कलर अप्लाई करूंगी. एंड अभी बारी है क्रीज कट करने की. क्रीज को कट करने के वक्त ना बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, इसलिए मैं आईने के अंदर बिल्कुल घुस जाती हूँ, नहीं तो मुझे दिखता नहीं है अच्छे से. सो डोंट माइंड. तो अभी इस कंसीलर को भी सेट करेंगे. देन इनर कॉर्नर में ना एक वाइटिश टाइप ऑफ कलर को लेके अप्लाई करूँगी एंड देन एक ऑरेंजिस टाइप ऑफ कलर को लेके अपने जो हमने क्रीज कट किया था उस पर उसके मिडल पे अप्लाई करूँगी. फिर ये जो ब्यूटीफुल सा ग्लिटर सेड है वो भी इस ब्यूटी बेस्ट की पैलेट से लेके सिर्फ मिडल पे प्लेस करूंगी. एंड नाउ टाइम फॉर आईलाइनर. और ट्रेडिशनल आईलाइनर तो बहुत ही लंबा विंग वाला होता है, तो मैं भी वही करूंगी यहाँ पे, लॉन्ग विंग आईलाइनर. सो एंड नाउ लोअर लेस लाइन पे मैं कोल अप्लाई करना पसंद नहीं करती, इसलिए ब्लैक आई शैडो अप्लाई कर रही हूँ एंड देन जो ट्रांजिशन सेट था उससे ब्लेंड कर लूँगी. एंड अभी एक फ्लफी ब्रश के जरिए पूरा जो कलर था उसको ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्स लाइन ना रहे. एंड अभी ना कॉर्नर हाईलाइट करने की बारी है. देन मस्कारा. और अभी हम लगाएंगे फॉल्स लैसेस. और फॉल्स लैसेस अप्लाई करने के
वक्त भी मैं ऐसे आईने में घुस जाती हूँ. बहुत ही टफ है ये. सो दैट वॉज द फाइनल लुक. अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा. सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि कभी भी जो मैं नए वीडियो पोस्ट करूँ आप नोटिफाइड हो सके. सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सून. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.